एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली की महरौली से, जहां पर दिल्ली की महरौली में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चल रहा है। अवैध निर्माण पर डीडीए का बुलडोजर चला है। स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का विरोध भी किया है। अवैध निर्माण के खिलाफ डीडीए की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई की गई है। यह तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं उसी कार्रवाई के, दिल्ली के महरौली में अतिक्रमण के खिलाफ डीडीए का यह बड़ा अभियान, बड़ी कार्रवाई, और इसका स्थानीय लोगों की तरफ से विरोध भी किया जा रहा है। और श्रद्धा इस वक्त हमारे साथ दिल्ली की महरौली से जुड़ी हुई है, जहां पर यह कार्रवाई डीडीए की तरफ से हो रही है। श्रद्धा, यह अवैध निर्माण बताया जा रहा है जिसके खिलाफ डीडीए की तरफ से कार्रवाई की गई है, लोगों का क्या कहना है? बताया जा रहा है कि लोग काफी ज्यादा गुस्से में हैं और इलाके में बहुत विरोध है, बात करिए आप जरा। जी देखिए, हम बिल्कुल तस्वीरें आपको करना दिखा रहे हैं और ये देखिए अपडेट हम आप किस तरीके से आपको दिखा रहे हैं। देखिए अभी भी आप सीधा जो तस्वीरें हैं उसमें देखेंगे कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो पुलिस के जो तमाम आला अधिकारी हैं उनको रोक करके यहाँ पर खड़ी हो गई हैं। ये वही महिलाएं हैं जो कल यहाँ इस तरीके से बैठी हुई थी। आप एक बार फिर से यहाँ पर रोकने के लिए खड़े हो गए हैं, अधिकारी सामने करना पड़ रहा है मैडम इनके सिस्टम की वजह से। हमें क्या क्या, हम छोटी छोटी नौकरियां करते हैं उनको छोड़ छोड़ के बैठे हुए हैं, कल को खाने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। इन लोगों की वजह से सब सही चल के ये गलतियाँ ये हो रहा है। और ये देखिए हम आगे भी एक बार करुणा आपको रिपोर्ट दिखा दें कि किस तरीके से जो तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और तमाम जो महिलाएं हैं उनको 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 एक बार फिर से पीछे की तरफ किया गया है। और जेसीबी मेरे पीछे पीछे आप देखेंगे कि जेसीबी भी स्टार्ट कर दिया गया है, शुरू कर दिया गया है। और एक बार फिर से जो महिलाएं हैं उनको समझाया जा रहा है कि आप थोड़ा पीछे हट जाइए क्योंकि ये ऑर्डर आया है, ये सारे जो फ्लैग्स यहाँ पर बने हुए हैं ऑर्डर आया है। उसी के साथ ही जो लोग हैं उनका ये कहना है कि अगर ऑर्डर आया तो हमारी जो रजिस्ट्री है वो क्यों की गई, इतने सालों से जो हमारी रजिस्ट्री। श्रद्धा ये बताइए ये कितना बड़ा इलाका है, ये कितना बड़ा इलाका है जिसके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और करीब कितने घर है, कितने लोग हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं? उनको हटाया जा रहा है क्योंकि कल भी इसी तरीके से जो महिलाएं हैं वो रोक कर खड़ी हो गई थी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से महिलाओं को हटाया जा रहा है और इसके आगे जो सड़क है उसी पर जो घर बने हुए थे उन्हीं घरों को तोड़ने की। ये देखिए अभी आपसे क्या कहा गया, आप खड़ी थी बिल्कुल एकदम जेसीबी के आगे, क्या कहा उन्होंने मुझे? एसएचओ ने सर ने बोला, अभी बोला है जो मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, जनरेटर उठाने आए हो और आपके यहाँ का नहीं है, कहीं और है। मैंने बोला आप कल भी यही बोल के तोड़ा है, आपको पता है ना? तो मैंने लगा रहा आज नहीं, आज ही हाँ जनरेटर उठाएंगे उसके बाद आप बोलना। अच्छा, ये अभी आपको ये बोल रहे हैं कि जेसीबी को आने दो, जनरेटर इन्होंने बोला आप जनरेटर के पीछे खड़े हो जाओ, कुछ नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, हम आप थैंक यू सो मच, ठीक है। ये देखिए सोलह के बाद अपन जो भी करना है बिल्कुल हम तैयार खड़े होंगे सर। ये देखिए सोलह तक अभी बोल रहे हैं, श्रद्धा अब तक आवाज, श्रद्धा आपको आवाज मिल रही है यहाँ पर दे दिया गया है। और ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन TV9 भारतवर्ष के कि 16 तारीख तक का जो अपडेट है उसको 16 तारीख तक ये कहा गया है लोगों को कि कार्रवाई नहीं की जाएगी, नहीं तोड़ा जाएगा, ये दे दिया गया है। ये 16 तारीख तक का इनसे कह दिया गया। और ये वही महिलाएं जो कल से लगातार बैठी हुई थी, कल कितने देर तक आप बैठी, कल रात को शाम तक उसके बाद 4 बार नहीं श्रद्धा ये उनसे पूछिए कि 16 तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं होगी तो क्या उस पर यहाँ के लोग राजी हैं? वो कहाँ जाएंगे 16 तारीख के बाद? वो 16 तारीख के बाद कहाँ जाएंगे, क्या होगा इस ठंड में, क्या बोल रहे हैं वो लोग? सही छापना, जो भी छापना हमें 16 तारीख स्टे मिला हुआ है और कल हम लोग पूरी रात नहीं सोए, ना घर के जेंट्स है ना औरतें, पूरी रात हम लोग जगे हुए थे। क्या पता इनका क्या रिएक्शन हो, क्या मोटिव हो, किसी भी टाइम आ सकते हैं, लोग 6 बजे भी आने की कोशिश में थे न्यूज वालों ने। और एक जरा हम तस्वीरें आपको दिखाएं कि कल कहां पर जो क्या कहते हैं जो तोड़ा गया। चलिए ठीक है श्रद्धा, आगे भी आपका हम रुख करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि जो बताया गया है वहां पर जो पुलिसकर्मी और अधिकारी मौजूद थे, 16 तारीख तक कार्रवाई ना करने का आश्वासन जरूर दिया गया है, लेकिन खैर आगे इस पर जो होता है वो आपको बताएंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका पूरी जानकारी। श्रद्धा का एक बार फिर से रुक करते हैं इससे पहले कि हम अगली खबर का रुक करें। श्रद्धा आप तक आवाज अगर पहुंच रही है तो यह बताइए कि हमने सुना और आपने बताया कि 16 तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं होगी, इस बात का आश्वासन दिया गया है, तो क्या जो स्थानीय लोग हैं वो इस पर रजामंद है? 16 तारीख के बाद क्या होगा, कहां ये लोग जाएंगे, क्या बोल रहे हैं?
देखिए अभी 16 तारीख तक के लिए जो लोग हैं वो थोड़ा मान चुके हैं। उन्होंने कहा है कि हम अधिकारियों से और बात करेंगे और उनको समझाएंगे और उनसे कहेंगे कि ये सिर्फ 4-5 फ्लैट नहीं है, 2.5 लाख से ज्यादा जो फ्लैट्स यहाँ पर बने हुए हैं, तमाम बड़ा एरिया है वो यहाँ पर बना हुआ है, तो इस तरीके से अगर आप हमको हटाएंगे, क्योंकि हमारी रजिस्ट्री हो चुकी है और ये रजिस्ट्री सिर्फ हम गए, हमने तमाम जो नियम है उनको फॉलो किया और उस रजिस्ट्री के बाद में हमको ये घर अलॉट किए गए हैं और तमाम जो लोग हैं वो अभी 16 फरवरी तक के लिए मान गए हैं, लेकिन उसके बाद भी जो उनकी लड़ाई है वो लगातार जारी रहेगी। वो ये चाहते हैं कि इन फ्लैट्स को बिल्कुल भी नहीं तोड़ा जाए, जिसके तस्वीर फ्लैट्स हैं वो बने रहें। और ये देखिए कल यहीं से ही जहांगीरपुरी का ये पहला घर था जहां पर मेहरौली का ये पहला घर था जहां पर ये कार्रवाई की गई थी और ये 7 माले की बिल्डिंग कल यहीं पर जो महिलाएं हैं वो धरने पर बैठी हुई थी और इसके आगे चूंकि उनसे उन्हें समझाया गया कि आप पीछे हट जाइए और जिसके बाद ये जो महिलाएं हैं वो पीछे हट गई थी करना। आज हम जो ठीक है तो कुछ वो स्ट्रक्चर भी नजर आ रहे हैं जिन पर कल कार्रवाई की गई थी और आज एक बार फिर से बुलडोजर जरूर पहुंचा है, लेकिन अब जैसा बता रही हैं कि 16 तारीख तक 16 फरवरी तक का आश्वासन है कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।